हम नरान में झलकट में मौजूद हैं और अपने ट्रिप का आगाज़ करने लगे हैं। आज का ट्रिप नहायत ही ख़तरनाक, खौफनाक और एडवेंचर से भरा हुआ है। हम यहाँ झलकट में प्यारा लेक में मौजूद हैं और इसकी खूबसूरती के नज़ारों को हम अपने कैमराज में कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ से फ्री होने के बाद हम अपने ट्रैक का आगाज़ करेंगे। इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के बाद हमने यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रुक के फ़िशिंग की। कहते हैं कि पानी जहाँ पे स्लो होता है, जिस तरह के हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है ट्राउट को पकड़ना आसान है। हमने यहाँ एक घंटा आधा घंटा ट्राउट पकड़ने की कोशिश की और ये जो रास्ता नज़र आ रहा है, इस रास्ते को हमने अब जीप के थ्रू फॉलो करते हुए हमने नूरी टॉप तक का सफ़र जो है आगाज़ कर दिया है। नूरी टॉप एक ऊँचाई पर जगह है जहाँ तक जीप का ट्रैक बना हुआ है। रास्ता आप देख रहे हैं कि बहुत ही जो है हमें झटके लग रहे हैं और ऊंचाई की तरफ हम जाते जा रहे हैं। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का ये रास्ता एक्सपेक्टेड है। रास्ते में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, यहाँ पे हमारा आधा घंटा पौना घंटा भी ज़ाया हुआ। बट हम दोबारा अपने रास्ते की तरफ मूव करते हुए नूरी टॉप की तरफ जा रहे हैं। नहायत ही एक्साइटेड हैं हमारे मेम्बर्स हम, और हम ये रास्ता जो है ये JN ट्रैकर्स के साथ मिलके कर रहे हैं, जो कि एक नहायत रिलायबल ग्रुप है, नहायत ही एडवेंचरस और ऑर्गेनाइज्ड एक इदारा है जिनके साथ हम आज शामिल हैं। अब हम नूरी टॉप पे पहुंच चुके हैं। जीपें हमें यहाँ पे छोड़ के वापस को चली गई हैं और सारे मेंबर जो हैं एक्साइटेड हैं और हमारा सामान सारा यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी फ़ोटोग्राफी करने के बाद हमने इरादा किया क्यों ना हम यहाँ पे एक नूरी टॉप का एक पहाड़ है जहाँ पे जाया जाए। मेरा नाम डॉक्टर फवाद है और एडवेंचर का मुझे बहुत शौक़ है, ख़ास तौर पर ट्रैकिंग हाइकिंग का। मैं पहले भी काफ़ी बार कर चुका हूँ, लेकिन जिन लोगों के साथ जाता हूँ वो इतने एडवेंचरस नहीं है, वो एक ख़ास लिमिट पर आके थक जाते हैं या फिर वापसी पर जाना पड़ जाता है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये जिस टाइम हम अभी जिस जगह पर बैठे हुए हैं, ये नूरी टॉप से भी 1000 मीटर की बुलंदी पे है ये जगह, और यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता। बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन इन कंसल्टेंट ग्रुप की वजह से मैं यहाँ पे आ जाया हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। ये मेरे साथ हैं सारे, पीछे आप देख सकते हैं नूरी टॉप और नूरी लेक है एक वहाँ पे, लेकिन बादलों की वजह से वो क्लियर नज़र नहीं आ रही। आप आ रही है, आप ज़ूम करें, आप ज़ूम करें शायद नज़र आ जाए। और ये सबसे ऊंचा पॉइंट है यहाँ पे हम जहाँ बैठे हैं। आपको मैं मशवरा दूंगा कि इन्हीं के साथ हमेशा आएँ अगर आप वाकई इंजॉय करना चाहते हैं नेचर। यहाँ पीक पे आने के बाद एक तरफ हमें वो रास्ता नज़र आ रहा है जिसको हम फॉलो करते हुए ट्रैक के थ्रू, जीप्स के थ्रू हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और बाकी व्यू भी आप देख रहे हैं, KPK का व्यू नहायत ही खूबसूरत होता है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे ये नूरी लेक नज़र आ रही है जिसका हम अभी इरादा कर रहे हैं कि यहाँ से हमने गुजरना है और उसको देखते हुए चलें, क्योंकि ये थोड़ा ट्रैक से हटके है और यहाँ पे हमें गाइड जो है थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है लेके जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रीच और जानवरों होने के जो हैं वो अलामत हमें नज़र आ रही हैं। नज़ारे बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। KPK की खूबसूरती अभी तक मैंने दुनिया में जितनी देखी है उसके मुकाबला नहीं कर सकती। नहायत ही खूबसूरत और प्यारा होता जा रहा है सारा नज़ारा। हम इस टाइम टॉप पे मौजूद हैं और सारी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें रीच होने के इम्कान नज़र आए हैं। ये सारे सफ़ेद रीच के निशान हैं। हवा नहायत ही तेज़ है, मैं अभी खामोश होकर आपको हवा की आवाज़ सुनाता हूँ। बहुत तेज़ हवा चल रही है। तकरीबन 10 घंटे के बाद हम अब अपने उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ हम कैंप करना चाहेंगे। अब हम अपने कैंप लगा रहे हैं यहाँ पे, और बकरवाल हैं जिनके पास हमने अपने 3 कैंप अटैच किए हैं, और यहाँ पे पूरे एरिया में हमारे 3 कैंप के अलावा और कुछ भी नहीं है। पहाड़ों के दरमियान आज हम रात गुजारेंगे। अभी हम सारा प्लान कर रहे हैं सुबह का। हमने सुबह जो है वो घटिया लेक की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट करना है, जो कि तकरीबन 6 से 7 घंटे का जाने का और 6 से 7 घंटे का आने का होगा। हमारे पास पानी के अलावा सिर्फ खजूरें और घने हुए चने मौजूद हैं। जवाबी ये शोर किस बात का शोर जवाबी ये अच्छा अच्छा ओके 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 ओके
हमें बताया गया है कि अभी जो है यहाँ पे कोई रीच की मूवमेंट थी और बकरवाल ने जो है एक फायर किया है और इनकी एक बकरी को जो है वो ज़ख्मी करके चला गया है। दुआ कीजिएगा कि हमारा सुबह का सफ़र जो है वो अच्छा गुजरे, हमारी जो है रात वो बहुत सेफ़ एंड साउंड रहे। हमें बहुत इस टाइम डर लग रहा है, हम लोग जो हैं सारे यू कैन नॉट सी अस क्योंकि हमें लाइट बंद करने को कहा गया है। हम सारे यहाँ पे इस टाइम बड़े ही पुरसरार और ख़तरनाक तरीके से जो है ये एक दूसरे के साथ बैठे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं कि रात को हमें सेफ्टी के पर्पज़ से क्या करना है।